हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 27 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा राजस्थान जी के राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि के बारे में पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट टॉम डॉम सॉम इत्यादि पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस कुछ रक्षा समाचारों की। इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन ASW कॉर्बेटी INS कदमत अराइव्ड एट लंग कावी मलेशिया ऑन ए 7-day ऑफिशियल विजिट। The ship is scheduled to participate in the 15th edition of Longkawi International Maritime and Aerospace Exhibition Lima 90 during the visit. भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति ASW कॉर्वेट INS कदमत 7 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया के लंगकावी पहुंचे। जहाज को यात्रा के दौरान लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, द इंडियन नेवीज स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी NBCTF वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा एट INS शिवाजी लोनावाला। द ट्रेनिंग फैसिलिटी हैज बीन नेम्ड अभिद्या, विच मीन्स इम्पेंट्रेबल इन संस्कृत। INS शिवाजी लोनावाला में नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा NBCTF का उद्घाटन किया गया था। प्रशिक्षण सुविधा का नाम अभेद्या रखा गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है अभेद्य, और अभेद्य का अर्थ होता है कि जिसको कि भेदा ना जा सके। द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंडक्टेड द CH-47 FI चिनुक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स इंटू इट्स इन्वेंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। IF हैड साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद MS बोइंग लिमिटेड इन September 2050 फॉर 15 चिनुक हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से CH-47F1 चिनुक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में अपनी सूची में शामिल किया है। IF ने सितंबर 2015 में 15 चिनुक हेलीकॉप्टरों के लिए मैसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 6 बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका आर्मी किक स्टार्टेड एट दिया तलवाना तलावा इन श्रीलंका। An Indian contingent of 120 army personnel, including 11 officers, arrived last evening to take part in the 2-week-long exercise Mitra Shakti is one of the largest bilateral army-to-army exercises conducted in the region. Mitra Shakti 6 और भारतीय सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास श्रीलंका के दिया तालावा में शुरू हुआ। 2 सप्ताह की लंबी कवायद में हिस्सा लेने के लिए 11 अधिकारियों सहित 120 सैनिकों की एक भारतीय टुकड़ी कल शाम श्रीलंका पहुंची। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। ओस्लो द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल वायरलेस इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन फॉर इट्स फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक टैक्सीज With an aim to have a zero emission cab system by the year 2023, according to a report by Reuters. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक शून्य उत्सर्जन कैप प्रणाली के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा। नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड ए प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल्स सॉवरेनिटी ओवर द गोलान हाइट्स एंड टोल्ड द विजिटिंग इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दैट इजराइल हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू सेल्फ डिफेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने वाली एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने से कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। पीटर टेबिची ए मेंबर ऑफ द फ्रेंसियन रिलीजियस ऑर्डर हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019 एट ए सेरेमनी इन दुबई होस्टेड बाई हॉलीवुड एक्टर हुग जैकमैन। फ्रांसिस्कन धार्मिक व्यवस्था को एक सदस्य पीटर तबिची को 2019 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के साथ दुबई में एक समारोह में हॉलीवुड अभिनेता ह्यूग जैकमैन द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एक कॉन्सोर्टियम ऑफ टू इंडियन ऑयल कंपनीज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द एक्सप्लोरेशन राइट्स फॉर अबू धाबीज ऑन शोर ब्लॉक फर्स्ट। दो भारतीय तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक संघ को अबू धाबी के तटवर्ती ब्लॉक एक के लिए अन्वेषण अधिकारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल लॉन्च 29 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग द प्राइमरी पेलोड ईएमआई सेट ऑन द 1st of April। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-45 विल टेक ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा टेंटिवली एट 9:30 AM कैरिंग द सैटेलाइट ऑन बोर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 1 अप्रैल को प्राथमिक पेलोड ईएमआई सेट सहित 29 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-45 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:30 बजे उपग्रह के साथ उड़ान भरेंगे। कमिटीज इन न्यूज समाचारों में समितियों की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज अपॉइंटेड 5-member कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नंदन निलेकणी टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट्स एज वेल एज टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। द कमिटी वुड सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस विद इन 3 months। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय समिति नियुक्त की है। समिति 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। बात करते हैं ऑप्टोरिज निधन और लास्ट समाचार की। काला प्रपूर्णा अवार्डी विंजामुरी अनसुया देवी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99 ईयर्स ड्यू टू इलनेस इन द USA। सी वाज एन एमिनेंट फोल्क आर्टिस्ट रेडियो कमेंटेटर हारमोनियम प्लेयर म्यूजिक कंपोजर एंड ऑथर। इन 1977 सी वाज ऑनर्ड विद ए डॉक्टरेट बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी। कला प्रपूर्ण पुरस्कार विजेता विंजामुरी अनसुया देवी का अमेरिका में 99 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया है। जो विंजा कुमारी अनसुया देवी है वो एक प्रसिद्ध लोक कलाकार रेडियो की कमेंटेटर हारमोनियम वादक और संगीतकार और एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।